आपने ट्विटर वॉर इन दोनों पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स के यूजर्स के बीच में काफी बार देखी होंगी, बट आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दोनों पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स के दोनों मेन प्रोग्राम के प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक ही मोड़ चीज, अगर चैनल पर नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार स्टार्टिंग शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं प्रोज दोनों प्रोग्राम्स के। प्रोज मतलब एडवांटेजेस कह सकते हैं। तो यार एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम है अपना गो क्लाउड का, जिसका नेम होता है गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम है अपना AWS का, जिसका नेम होता है AWS रीस्किल। तो यार सबसे पहले बात करते हैं व्हाट यू विल लर्न। तो पहला जो अपना प्रोग्राम होता है गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम, उसमें आपको गो क्लाउड के बारे में सिखाते हैं, और सेम ऐसे ही AWS रीस्किल प्रोग्राम में आपको AWS क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं, ठीक है, बट सिखाने का तरीका अलग होता है। पहले बात करते हैं गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की, इसमें आपसे प्रैक्टिकल करवाते हैं क्लैप्स के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नया नेम है गो क्लाउड स्किल बूस्ट, और इसमें आप प्रैक्टिकल करके गो क्लाउड की टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग AWS रीस्किल की बात करें, तो उसमें पहले आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं, और फिर जो पढ़ाया है उसी में MCQ के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो यार दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यंग यूजर्स को मेनली उनकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाना ही है। अब यार बात करते हैं प्रोज में पहले पॉइंट की, जो कि ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हम लोग का गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम का होता है 2 months का, अप्रैल में शुरू होता है और जून तक चलता है। डेट चेंज होती है बट 2 months का ही होता है, अप्रैल से जून तक। सेकंड बात करते हैं रीस्किल प्रोग्राम की, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम पूरे साल एक्टिव रहता है। प्रोग्राम की लिंक आपको पूरे साल एक्टिव दिखेगी, बट मेनली जब इसमें चैलेंजेस ज्यादा अपलोड होते हैं वो होता है मई और जून में ही। तो दोनों की ड्यूरेशन मेनली 2 months की ही होती है। सेकंड बात करते हैं चैलेंजेस की, तो गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में आपको कुछ ट्रैक्स दिए जाते हैं। ट्रैक में क्या होता है, ट्रैक में होते हैं क्वेस्ट और स्किल बैचेस। क्वेस्ट में 5 लैब होती है, स्किल बैचेज में वही लैब होती है, बस लास्ट में एक चैनल लैब एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो चैलेंजेस में मेनली आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और जितनी ज्यादा आप लैब्स को करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्वेस्ट और स्किल बैचेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बेसिस पर आपको गुडीज मिलती है। टोटल 4 ट्रैक होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, track 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, ठीक है, और आप जितने ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे उसके बेसिस पर आपको गुडीज मिलती है। तो ये बात हो गई गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की। अब बात करते हैं AWS रीस्किल की। तो यार AWS रीस्किल में 5 तरह के टास्क होते हैं, और उन टास्क को कंप्लीट करके आप पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। पहला टास्क होता है आपका चैलेंजेस वाला, जो कि आपको इस चैलेंजेस के सेक्शन में शो हो जाएगा। इसमें जो भी उस पर्टिकुलर मंथ के चैलेंज होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, और जो आने वाले होते हैं वो भी यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। इन चैलेंजेस को कंप्लीट करके आप पॉइंट्स ले सकते हैं। ये था अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका है कम्युनिटी स्टार बनके। मेनली चीज यही है कि ये जो चैलेंजेस बनाए हैं ये इस पर्टिकुलर बंदे ने बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चैलेंज को क्रिएट करेंगे, हर एक चैलेंज कोई दूसरा बंदा बनाता है, जैसे ये वाला इसने बनाया है, ये वाला इसने बनाया है, ऐसे अगर आप क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स बनाने होते हैं और आपको MCQ क्रिएट करने होते हैं। यहीं पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूं, आज मैं आपको मेनली प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं, ठीक है। दोनों डिटेल वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार कम्युनिटी स्टार्स में यही होता है कि अगर ये चैलेंजेस आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आप MCQ को सेट करेंगे, तो फिर आपको कम्युनिटी स्टार में पॉइंट्स मिलते हैं, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको स्वैग पैक अलग से मिलता है, ठीक है। तो यार ये था अपना सेकंड टास्क और दूसरा तरीका जिससे आप पॉइंट्स ले सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अब यार बात करते हैं थर्ड टास्क की, थर्ड वे की पॉइंट्स को जनरेट करने का, वो होता है आपका ब्लॉग्स। अगर आप ब्लॉग्स को लिखेंगे तो आपको एक ब्लॉग लिखने पर 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और आप 1 महीने में 3 ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो में समझाया है, तो उसे आप देख सकते हैं। फोर्थ तरीका होता है सर्टिफिकेशन अपलोड करके। अगर आपने AWS में कोई भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया हो तो उसकी लिंक आप यहां पे अटैच कर सकते हैं, उससे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। देन यार फिफ्थ एंड फाइनल टास्क होता है जिससे आप पॉइंट्स ले सकते हैं, वो होता है रिवॉर्ड्स वाला। अगर आप अपनी लिंक को किसी के साथ शेयर करेंगे और उस पर्टिकुलर बंदे ने आपके लिंक से अकाउंट बनाया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बात हो गई दोनों प्रोग्राम्स के चैलेंजेस के ऊपर। गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में थोड़ा सिंपल होता है, मेन एक बस प्रोग्राम सिलेबस होता है, और AWS रीस्किल में काफी टास्क होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। थर्ड प्रोज में बात करते हैं गुडीज की। तो गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में गुडीज का अलग से एक सेक्शन होता है, और इसमें आपको क्लियरली बताया जाता है क्या करने पर आपको क्या गुडीज मिलेंगी। अगर आप पूरे प्रोग्राम सिलेबस में 10 क्वेस्ट और 5 स्किल बैच करते हैं तो ये मिलेगा, 20 क्वेस्ट और 10 स्किल बैच करते हैं तो ये मिलेगा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। अब यार बात करते हैं AWS रीस्किल प्रोग्राम में, तो इसमें जो रिवॉर्ड्स का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप इतना कंप्लीट करेंगे तो आपको गुडीज मिलेंगी। इसमें आपको मंथली लीडर बोर्ड में उस पर्टिकुलर लिमिट में आना होता है। कैसी लिमिट, जैसे अगर आपको ये Amazon का इको डॉट चाहिए तो आपको मंथली लीडर बोर्ड में 1 से 3 रैंक लानी होगी। कहां से शो होता है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, मंथली लीडर बोर्ड। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर टी शर्ट चाहिए तो आपकी रैंक मंथली लीडर बोर्ड में 4 से 53 के बीच आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रिवॉर्ड्स होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जो कि गुडीज की तरह होते हैं, और आप पैसे भी इससे ले सकते हैं
हैं अमेजोन के वाउचर, उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे होते हैं, उतने पॉइंट्स आपके अकाउंट में होंगे तो आप वो पर्टिकुलर वाउचर को रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। और एक आदमी एक ही वाउचर को रिडीम कर सकता है, इसमें आईडी मांगी जाती है, तो आप दो अकाउंट बना के मत करिएगा। तो यार ये बात हो गई गुडीज की। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काफी गुडीज है यार, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें मेनली दो गुडीज है और आपको इसमें पैसे भी मिलते हैं अमेजोन वाउचर की हेल्प से, ठीक है। और अगर आपको मंथली लीडर बोर्ड देखना हो तो आप एक्सप्लोर सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब यार फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो यार आपको ये पता होगा कि गोगार्डी फैसिलिटेटर प्रोग्राम के ऊपर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिए हैं, बस 27 लैब्स बची हैं, वो क्योंकि प्रैक्टिकल्स और मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है, बट एज सून एज पॉसिबल मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। इसके ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार गोगार्डी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में सॉल्यूशन बनाना इजी होता है और आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ होता है, बाकी सॉल्यूशन आप आराम से बना सकते हैं, आप करते करते सीख सकते हैं, ठीक है। वरना मैंने नीचे डॉक दी है, उसे आप देख सकते हैं आराम से, उसमें सारे सॉल्यूशन की लिंक है। अब बात करते हैं AWS रीस्किल की। तो इसमें जो सॉल्यूशन बनाने हैं वो चैलेंजेस में बनाने हैं, जैसे ये चैलेंज है, ठीक है। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने पर आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे, बट इसमें पहले होते हैं वीडियो लेक्चर, आपको पहले ये सिखाएंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उनके जवाब आप सही दे पाएंगे तो आपको 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम इसमें ये कि इसके सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि जो मेरे में 10 क्वेश्चन आएंगे और जो आपके में 10 क्वेश्चन आएंगे वो एकदम अलग होंगे, इसलिए इसमें मेन प्रॉब्लम आती है। अगर मानो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया बट आपके में वो क्वेश्चन ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। तो ये बात हो गई सॉल्यूशंस की दोनों प्रोग्राम में। अब यार फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट में बात करते हैं कि आपको कौन सा सूट करेगा। तो ये यार कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको AWS पसंद हो तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, अगर आपको गूगल क्लाउड पसंद हो तो अब आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते हैं, बट आप अगली बार इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके एनरोलमेंट्स खत्म हो चुके हैं, इसके बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाकर आपको अपडेट किया है। बट अगर मैं अपनी राय दूं तो इनका जो मॉडल है वो ऐसा है जैसे कि गो क्लाउड वाले प्रोग्राम में, इसमें ये करना होता है कि अगर आप इतनी चीजों को कंप्लीट करेंगे, मानो अगर आपको 50 रजिस्ट्रेशन लाने हैं, तो जैसे ही आप 50 रजिस्ट्रेशन को ले आएंगे आपको इतने रुपए या इतनी गुडीज मिल जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ठीक है। बट AWS रीस्किल प्रोग्राम में ये लॉजिक है कि आपको 50 रजिस्ट्रेशन तो लाने ही है, बट उसके बाद आपको कॉम्पीट भी करना है, आपको ये भी देखना है कि बाकी लोग आपसे ऊपर ना हो मंथली लीडर बोर्ड में, ठीक है, आपको उसके लिए भी कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद हो कि मैं इतना करूंगा मुझे ये गुडीज मिलेंगी, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपको कंपटीशन पसंद हो तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा दोनों में एनरोल कर लो, और दोनों में एकदम बेसिक बिगनर फ्रेंडली से सिखाते हैं आपको, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैंने सारे सॉल्यूशन बनाए, इसमें मैंने आपको अच्छे समझाया, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें भी आपको एकदम बिगनर फ्रेंडली समझाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यार फाइनली बात करते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो यार ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, बट जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हमेशा मई और जून मंथ में आते हैं, और मई और जून में ही अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं तो ज्यादातर आपके सेमेस्टर पेपर प्रैक्टिकल सब लगे होते हैं, जैसे मेरे लगे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है करना। बाकी अगर मेरे साथ किसी और के पेपर चल रहे हो या आने वाले हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वरना यार बस एक यही इशू है, बाकी ये भी इशू नहीं है, बट हाँ इशू तो है। सो यार ये अपनी वीडियो थी रिगार्डिंग AWS रीस्किल प्रोग्राम वर्सेस गोगार्डी फैसिलिटेटर प्रोग्राम। मुझे बताना आपने किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल किया है, और अगर आपके पेपर आने वाले हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो यार वीडियो को रैप अप करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।